उसे दास बनाना तो असंभव है वहां पे, किंतु हम प्रयास करके अपने शत्रु महेंद्र सिंह भुवन सिंह और उन तीनों अतिथि युवराजों को उसके सामने चारे की तरह डाल सकते हैं। महामहिम, उस विचित्र सिंह के बारे में मेरे अलावा और कोई नहीं जानता, कोई नहीं। इसलिए वो जब भी हम पर आक्रमण करेगा, हम उसको बड़ी चतुराई से इन तीनों शत्रुओं को उसके सामने कर देंगे। हम प्रसन्न हुए, और वैसे भी हम यहां अकेले नहीं हैं। तुम सदैव ही हमारे साथ हो, और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी अंतिम सांस तक हमारा साथ दोगी। कहते हैं ना, एक से भले दो होते हैं। हाँ राजकुमारी, अमरकापुरी नरेश के छोटे पुत्र है, हमारे बड़े भाई भानु प्रताप सिंह है। सुनने में आया कि वो भी उपनगर पधार चुके हैं, क्या ये सत्य है अथवा हमें भ्रमित किया जा रहा है? ये सत्य है युवराज, हम यही समाचार देने के लिए तो यहाँ पर पधारे हैं। लगता है आपके भाई भानु प्रताप सिंह आप ही को खोजते खोजते यहाँ पर पहुंचे हैं। हमें भी ऐसी प्रतीत होता है, हम उसे शीघ्र मिलना चाहते हैं। पुराने महल में पशु की सेवा में रखी हुई ये सेविका यहाँ क्या कर रही है, और इतनी घबराई क्यों लग रही है? थोड़ा सब्र रखे मामा, अभी पता चल जाएगा। अतिथि युवराज ने चेतावनी भी दी है। अतिथि युवराज ने संदेशा दिया है कि यदि महल में चारों ओर दिए जलाकर अगर उजाला नहीं किया गया तो सारे रूपनगर में अंधेरा छा जाएगा। ये तुम क्या कह रही हो? यदि रूपनगर के महल में उजाला नहीं किया गया तो क्यों और कैसे रूपनगर में अंधकार छा जाएगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अतिथि युवराज ने ये चेतावनी क्या सोचकर दी है? जिसका भय था वही हुआ नागराज, क्या तुम्हें नहीं पता कि अतिथि युवराज और अमावस की रात में कोई संबंध है? सारे महल में चर्चा है कि वो अतिथि युवराज दानव शक्तियों का स्वामी है। जानता हूं महामहिम, अच्छी तरह से जानता हूं, किंतु ये नहीं पता था कि वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन इतनी शीघ्र कर देगा। माश्वेता, उस अतिथि युवराज ने और कोई संदेशा तो नहीं भेजा ना? उन्होंने ये भी कहा है कि अमावस की रात को उनसे भेंट करने कोई भी पुराने महल न आए, नहीं तो उसकी मृत्यु निश्चित है। महामहिम, राजकुमारी जी ने ये कैसे युवराज को अपना अतिथि बना दिया है? हम तो उनकी रक्षा के लिए अपने प्राण नौछावर करने को तैयार हैं, और वो हमारी प्रजा की प्राण छीनने को उतावले हुए जा रहे हैं। महाश्वेता, उस अतिथि युवराज ने और कोई संदेशा तो नहीं भिजवाया ना? उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि यदि उनकी चेतावनी पर ध्यान न दिया गया तो किसी भी होने वाले अनर्थ का दोषी उन्हें न ठहराया जाए, इसलिए अमावस की रात को उनके द्वारा दिए गए किसी भी आदेश का पालन करना अत्यावश्यक है। यही कहने मैं भुवन सिंह जी के पास जा रही थी। महामहिम, मुझे तो आपकी चिंता हो गई है, मैं आपकी सुरक्षा और बढ़ा देता हूँ, क्योंकि यदि आपको कुछ हो गया तो मैं राजकुमारी जी को अपना मुख दिखाने लायक नहीं रहूंगा। चलिए महामहिम, हम भी कुछ कार्रवाई करते हैं। हो तो मैं अमावस की रात को आपके कक्ष में विश्राम करने के लिए आ जाऊं? नहीं नागराज, बिल्कुल नहीं। अमावस की काली रात्रि को तुम अपने ही कक्ष में विश्राम करना, क्योंकि हम तुम्हारे जैसे डरपोक व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते। महामहिम, किंतु मैं सोच रहा था कि यदि उस पशुराज ने आप पर आक्रमण कर दिया तो मैं आपको बचा लूंगा। वैसे
से भी वो पशुराज अधिकतर बलवान व्यक्तियों पर ही आक्रमण करता है, और इस महल में आपसे ऊंचा तगड़ा और बलवान व्यक्ति कोई नहीं है महामहिम, कोई नहीं। इसलिए मेरे आग्रह को मत ठुकराइए। यदि तुमने दूसरी बार हमसे आग्रह किया तो हम तुम्हें अभी और इसी समय पुराने महल में उठाकर फेंक देंगे, और फिर वो पशुराज तुम्हारे अमावस की रात के पहले ही टुकड़े टुकड़े कर देगा। महामहिम, ऐसा अनर्थ तो आप कभी मत करना, कभी नहीं, अन्यथा आप इस महल में अकेले पड़ जाएंगे। ये पशुराज तो उस विचित्र सेन से भी अधिक भयानक है। ये विचित्र सेन पता नहीं इस महल में एक सांप की तरह कहीं छिपा हुआ है, और वो पशुराज उस महल में बैठा हुआ है। पता नहीं इस रूप नगर और राजकुमारी चंद्रमुखी का क्या होगा। वहां में तुम औरों की छोड़ो और अपनी सोचो नागराज। ये तो अच्छा हुआ कि हमें पुराने महल में उस पशुराज से लड़ने के लिए भुवन सिंह ने नहीं भेजा। यदि वो उल्टा हमें पुराने महल में भेज देता तो हम नहीं, हमारे शव लौट कर आते। किंतु अब तो भुवन सिंह भी हमें उस पुराने महल में नहीं भेज सकते मामे, क्योंकि उस पशुराज ने महाश्वेता के हाथों ये संदेशा भिजवा दिया कि अमावस की रात को कोई उसके सामने ना आए। समझ लीजिए हुजूर, भुवन सिंह जी ने आप दोनों को तत्काल याद किया। तुम जाओ, हम तत्काल पहुंच रहे हैं। जी हुजूर। नागराज, हमने आज तक तुम जैसा पुष्कनी कहीं नहीं देखा। तुमने उस बूढ़े भुवन सिंह का नाम क्या ले लिया, हमें उसका बुलावा आ गया। अब देखना वो हमें उस पशुराज से लड़ने भेजेगा। ऐसा मत बोलिए महामहिम, ऐसा मत बोलिए। अब कम से कम आप तो अपशकुन की बात मत कीजिए, और ये बताइए कि यदि भुवन सिंह ने हमें उस महल में जाने के लिए कहा तो हम क्या करेंगे। तत्काल कोई युक्ति सोचिए महामहिम, अन्यथा हम एक बलि के बकरे की तरह मारे जाएंगे। नागराज, इस समय हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, हमें चारों ओर संकट ही संकट दिखाई दे रहा है। लगता है वो बूढ़ा भुवन सिंह और राक्षस महेंद्र सिंह हमें बलि का बकरा बना कर ही छोड़ेंगे। चलो, वो दोनों हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चिंतित क्यों हो रहे हो? कल का अंधकार अधिक गहरा और डरावना होगा महामहिम, क्योंकि कल अमावस की रात है। हाँ हाँ, कल अमावस की रात है, हम जानते हैं, और उस रात को होने वाली किसी भी अशुभ घटना से लड़ने की हमने पूरी तैयारी भी कर ली है सेना प्रमुख जी। अब देखते हैं वो अतिथि पशुराज हमारा क्या बिगाड़ता है। क्यों महामहिम? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, हम समझे नहीं आप लोगों ने क्या तैयारी की है। यदि आप हमें विस्तार से बताएंगे तो हमारी चिंता में कुछ कमी अवश्य आ सकती है। महामहिम राजवीर सिंह, आप दोनों ने अतिथि युवराज बनराज से निपटने के लिए क्या सोचा है? हाँ भुवन सिंह जी, रणनीति तो हमने अकेले ने बनाई है, किंतु विस्तार से नागराज तुम्हें बताएगा, क्योंकि हमारी रणनीति आप तक पहुंचाने का इसने हमसे वचन दिया है। हाँ, क्यों नहीं। हाँ। भुवन सिंह जी, मैं आपको बताता हूँ, महामहिम एक ऐसी धूर की कौड़ी लाए हैं, एक ऐसी धूर की कौड़ी लाए जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। शीघ्र बताइए नागराज, आप कार्य करते कम है बोलते अधिक है। अब ये बताइए वो धूर की कौड़ी क्या है। तो सुनिए सेना प्रमुख जी, यदि उस पुराने महल की सुरक्षा का भार उस अतिथि युवराज के भाई कुंवर भानु प्रताप सिंह के कंधों पर लाद दिया जाए तो अमावस की काली रात हमारा और हमारे राज्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं। और ये रणनीति स्वयं महामहिम ने बनाई है सेना प्रमुख जी। क्यों महामहिम? हाँ नागराज, सेना प्रमुख जी, हमने ये रणनीति बहुत सोच समझ कर बनाई है,
यदि हम कुंवर भानु प्रताप सिंह को पुराने महल में तत्काल पहुंचा देंगे तो हमारे रूपनगर पर आए हुए संकट टल जाएगा और पशुराज का भाई होने के नाते वो उसे आसानी से अपने वश में कर सकते हैं और दोनों भाई एक दूसरे से मिल भी जाएंगे और एक तीर से हम दो निशाने लगा सकते हैं। बातें तो ठीक लग रही है किंतु भानु प्रताप सिंह हमारे अतिथि है, इस कार्य के लिए उन्हें मनाना बहुत ही कठिन हो सकता है। आप ठीक कह रहे हैं, भानु प्रताप सिंह बहुत ही उदंड और सदा क्रोध में रहने वाले व्यक्ति हैं, उन्हें इस कार्य के लिए मनाना कठिन ही नहीं असंभव है। नागराज के लिए जैसे ये बाएं हाथ का खेल, आप चिंता मत कीजिए भुवन सिंह जी, नागराज ये कार्य आसानी से कर देगा और यदि ये कार्य नहीं कर पाया तो हम कुछ और सोचेंगे। क्यों नागराज? महामहिम, मेरे पास एक नहीं अनेकों रणनीतियां हैं, अनेकों। अब देखिए रूपनगर पर आए संकट से निपटने के लिए कैसे कैसे मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है महामहिम, पूर्ण विश्वास कि मैं इस कार्य के लिए कुंवर भानु प्रताप सिंह को अवश्य मना लूंगा। अगर आपको अपने ऊपर इतना भरोसा है तो आपकी इस रणनीति पर कार्य करते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। आप दोनों उनको मनाकर कार्य पर लगा सकते हैं। वैसे भी महल की सुरक्षा का भार अब आपको ही उठाना पड़ेगा क्योंकि सेना प्रमुख महेंद्र सिंह जी को हम महाराज और राजकुमारी चंद्रमुखी की सुरक्षा का भार सौंप रहे हैं। भुवन सिंह जी आप एकदम चिंता मुक्त हो जाइए, एकदम चिंता मुक्त। मैं और महामहिम अभी जाकर कुंवर भानु प्रताप सिंह को एक पल में मना लेंगे। चलिए महामहिम। प्रणाम भुवन सिंह जी, प्रणाम। क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? हमारे राज्य में तो शेर चीते ऐसे घूमते हैं जैसे कि कुत्ते बिल्लियां। हमने कितने शेर चीतों का शिकार कर दिया है ये तो हमें याद तक नहीं। अलकापुरी में जब तक एक युवराज अपने खाली हाथों से एक शेर का वध नहीं करता तब तक उसका विवाह नहीं होता। क्या कह रहे हैं आप अपने इन्हीं हाथों से शेर को वध कर दिया? हाँ, तभी तो हम चंद्रमुखी से विवाह करने आए हैं मूर्ख। हमने आप जैसा सूरवीर आज तक नहीं देखा। हम तो समझ रहे थे कि आप एक साधारण से मनुष्य होंगे किंतु आपकी वीरता को देखकर हमारे पसीने छूट गए। तुम मंगू ठीक कह रहे अतिथि युवराज, हमारे राज्य के बड़े बड़े महायोद्धा शेर का नाम सुनते ही भयभीत हो जाते और आप उन्हें बुद्धिक बनने की तरह समझ रहे। ये तो कुछ भी नहीं, एक बार हम अपने बूढ़े पिताश्री के साथ जंगल में घूमने गए थे कि तभी वहां चार चार जंगली हाथियों ने हमारे पिताश्री को चारों ओर से घेर लिया। क्या कह रहे हैं आप? आपके बूढ़े पिताश्री को चार चार जंगली हाथियों ने घेर लिया, फिर बताइए आगे क्या हुआ? होना क्या था, जब उन जंगली हाथियों ने अपनी सूंड में हमारे पिताजी को उठाकर इतना रोना करना शुरू किया, हमें बहुत क्रोध आ गया और हमने अपने तलवार निकाल कर उन चारों हाथियों की शीट काट दिए। आप योद्धा नहीं महायोद्धा अतिथि युवराज, यदि हमारे किसी युवराज के पिताश्री भारी संकट में पड़ जाते तो वो जीवित वापिस नहीं आते। हाँ, और आपने अपने राज जलकापुरी में क्या क्या नहीं किया है? यदि आप अपने बारे में कुछ और बताने का कष्ट करेंगे तो हमें अति प्रसन्नता होगी। अलकापुरी को छोड़ो, जब हम रूप नगर के मायावी जंगल में भटक रहे थे तो अनेक मायावी शक्तियों ने हमें चारों ओर से घेरने का प्रयत्न किया किंतु हमने अपनी शक्ति और अपनी बुद्धिमत्ता से उन सबको परास्त कर दिया। हमने अपनी शक्ति और अपनी बुद्धिमत्ता से उन सबको
कर दिया। अच्छा तनिक यहाँ तो आइए, हमें जरा नीचे उतारिए। बस हम समझ गए, सब समझ गए। आप अपनी यूं ही झूठी मूठी प्रशंसा करके आप हमें मूर्ख बनाना चाहते हैं, किंतु हम दोनों मूर्ख हैं नहीं। हम आपको क्या लगते हैं, कदम छोटे भले ही पर बुद्धि में आपसे कहीं अधिक ज्यादा है। देखिए हम तो अपना समय व्यतीत करने के लिए आपके पास आए थे। अच्छा अब आप हम दोनों चलते हैं, चलो चंग। जाओ हुजूर, आप दोनों हमारी छोड़ो, और पहले ये बताओ कि तुम दोनों किसकी आज्ञा से हमारे अतिथि युवराज भानु प्रताप सिंह जी के कक्ष में आए हो? हाँ, क्या तुम जानते नहीं कि अतिथि युवराज भानु प्रताप सिंह जी हमारे अतिथि हैं, और उनसे मिलने के लिए हमारी आज्ञा की आवश्यकता है। हुजूर, इस बार हम दोनों से गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हम तो अतिथि युवराज के दर्शन करने के लिए आ गए थे, अगली बार से हम तो इस कक्ष की ओर भी दृष्टि उठाकर नहीं देखेंगे। ठीक है अतिथि युवराज, यदि इन दोनों ने आपके विश्राम में कोई बाधा डाली है तो इसका हमें खेद है। हम स्वयं आपसे ये पूछने आए थे कि राजमहल में आपको कोई कष्ट तो नहीं है? कष्ट? हमें यहाँ कोई कष्ट नहीं। हो भी कैसे सकता है भानु प्रताप सिंह जी, महामहिम स्वयं आपका ध्यान जो रख रहे हैं, आप स्वयं ही देख सकते हैं। महामहिम रूपनगर के सबसे बड़े मंत्री हैं, किंतु वो स्वयं आपसे मिलने के लिए आए हैं। हमारा विश्वास कीजिए, उन तीनों अतिथि युवराजों में से महामहिम केवल आपको ही पसंद करते हैं, शेष युवराजों से तो वो सीधे वो बात तक नहीं करते। नागराज जी की बातों से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि आज तक कभी भी मैंने महामहिम को अतिथि युवराज कक्ष में आते हुए नहीं देखा। क्यों चंगू? तुम ठीक कह रहे हो मंगू, बिना किसी स्वार्थ के अपने महामहिम अपने पिताश्री से भी भेंट नहीं करते, किंतु पता नहीं ये अतिथि युवराज के कक्ष में कैसे आ गए। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बोलने वाले तुम कौन होते मूर्खो? अपनी खाल में रहो, अन्यथा धक्के देकर जंगल में फेंकवा दूंगा। जाओ भागो यहाँ से। हुजूर, हुजूर आप और अधिक क्रोधित मत होइए, हम दोनों अभी 9-11 हो जाते हैं। चलो चंगू। युवराज, वहां में जानते हैं कि राजकुमारी चंद्रमुखी का विवाह आपसे ही होगा, और इस विषय में वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, क्या आपकी आज्ञा है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम यहाँ चंदू से विवाह करने तो आए। चंदू? आपकी राजकुमारी चंद्रमुखी को हम प्रेम से चंदू कहते हैं। महामहिम जी, तत्काल हम आपको आज्ञा देते हैं, कहिए इस विषय में आपको हमसे क्या कहना है? भालु प्रताप सिंह जी, हम चाहते हैं कि आप राजकुमारी जी के इतने समीप चले जाए कि आपके सिवा वो किसी के बारे में सोचे तक नहीं। किंतु वो दूसरा युवराज सूर्य प्रताप सिंह, वो आपके पथ में कांटे बो रहा है। नाम मत लीजिए उस सूर्य प्रताप सिंह का, वो तो हमारे पीछे तब से पड़ा है जब हम रूपनगर के जंगलों में भटक रहे थे। शीघ्र बताइए वो हमारे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रहा है। भानु प्रताप जी, वो राजकुमारी चंद्रमुखी जी को मोहित करने के लिए अपनी वीरता की कहानियां सुना रहा है। उसका कहना है कि वो आप जैसे युवराजों को, 10-10 युवराजों को परास्त कर सकता है। झूठ बोल रहा है वो। एक बार रूपनगर के मायावी जंगलों में हमने उसे धूल चटाई थी, उससे ऐसे 20-20 युवराज भी हमारे सामने आ जाए ना, तो हम एक ही बार में उन्हें परास्त कर सकते हैं। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो राजकुमारी चंद्रमुखी के सामने झूठी प्रशंसा क्यों कर रहा है। राजकुमारी जी को प्रसन्न करने के लिए वो सूर्य प्रताप सिंह बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, क्योंकि राजकुमारी उसी युवराज से विवाह करेगी जो सब युवराजों से अधिक बलवान होगा। सबसे अधिक बलवान युवराज है राजकुमारी चंद्रमुखी, अगर विवाह करेगी तो केवल हमसे करेगी। भानु प्रताप जी,
यही तो हम भी चाहते हैं। और इसी विषय में चर्चा करने के लिए मैं और महामहिम स्वयं चलकर आए हैं। अब आप ही बताइए, आप इतने बड़े योद्धा हैं, कुंवर सूर्य प्रताप सिंह आपके सामने कहीं नहीं ठहरते, किंतु राजकुमारी चंद्रमुखी के सामने वो दिखावा ऐसे करते हैं जैसे वो इस संसार के सबसे बड़े योद्धा हो। अरे वो कोई योद्धा वोद्धा नहीं है। जो मनुष्य हमसे बचने के लिए डाकू दुर्गेश्वरी की सहायता लेके चलता रहा, वो हमसे क्या लड़ेगा? अरे जो युवराज एक महिला डाकू का सहारा लेकर यहाँ पहुंचा है, वो राजकुमारी चंद्रमुखी से विवाह कैसे करेगा? आपने तो मेरे मन की बात कह दी युवराज। अब हमें समझ में आ गया है कि वो कौर सूर्य प्रताप सिंह कितना बड़ा ढोंगी है। किंतु युवराज एक बात मेरी समझ में नहीं आई, और वो ये कि उसने पुराने महल की सुरक्षा का भार अपने कंधों पर कैसे उठा लिया? पुराने महल की सुरक्षा? हाँ युवराज, नागराज का कहने का तात्पर्य यह है कि युवराज सूर्य प्रताप सिंह ने राजकुमारी जी को प्रसन्न करने के लिए पुराने महल की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा ली है। किंतु हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि अमावस की रात को वो ये जिम्मेदारी कैसे उठा पाएंगे। यदि ये जिम्मेदारी आप उठा लेते तो हमें विश्वास है कि आप ये कार्य कर सकते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता महामहिम, अब कुछ नहीं हो सकता। यदि उस कुंवर सूर्य प्रताप सिंह ने एक रात भी किसी तरह उस पुराने महल में बिता दी, केवल एक रात, तो राजकुमारी चंद्रमुखी उन्हीं की हो जाएंगे। हाँ, यदि ये कार्य हमारे भानु प्रताप जी करते तो कितना अच्छा होता। बस तय हो गया, अब ये कार्य केवल हम करेंगे। आप जाकर राजकुमारी चंद्रमुखी से कह दीजिए कि उनके पुराने महल की रक्षा कुंवर भानु प्रताप सिंह करेंगे। वाह भानु प्रताप जी वाह, मुझे और महामहिम को आपसे इसी उत्तर की आशा थी। आप देखते हैं वो कौन सूर्य प्रताप सिंह अपना मुंह कहां जाकर छिपाते हैं। महामहिम, भानु प्रताप जी की इस घोषणा को सुनकर तो उनके पैरों तले से धरती ही सरक जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो नागराज, अब हम भी चिंता मुक्त हो गए हैं, क्योंकि उस भयानक रात को भानु प्रताप सिंह जी पुराने महल की रक्षा करने में अवश्य सफल हो जाएंगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। आप चिंता न करें, हम आपके विश्वास पर पूरे खरे उतरेंगे। किंतु हमारी समझ में यह नहीं आ रहा कि अमावस की अंधेरी रात में पुराने महल में ऐसा क्या होने वाला है जिसके लिए इतनी सुरक्षा की आवश्यकता है। कोई विशेष बात नहीं है, किंतु हम आपको बता ही देते हैं कि पुराने महल में आपका सौतेला भाई वनराज रहता है, और अमावस की प्रत्येक रात को वो किसी पशु में बदल जाता है, और देखते ही देखते अपने सामने पड़ने वाले किसी भी मनुष्य को समाप्त कर देता है। क्या भानु प्रताप जी, अब हम चलते हैं और आपकी वीरता का बखान राजकुमारी जी के सामने करते हैं। अब महाभाई चलिए चलिए थोड़ा। भानु प्रताप सिंह जैसा युवराज हमारे वश में आ गया, हम तुम्हारे कार्य से बहुत प्रसन्न है। यदि इस रूप नगर की सत्ता हमारे हाथ में आ गई तो तुम केवल तुम हमारे प्रधानमंत्री बनोगे। महामहिम, आपने मेरी प्रशंसा की, मैं आपका बहुत आभारी हूं। किंतु यह भी सत्य है महामहिम, यदि आप मेरा साथ नहीं देते ना तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। आप मेरे प्रत्येक संकेत को समझते चले गए और उस युवराज भानु प्रताप सिंह की प्रशंसा करके उसे बलि का बकरा बनाते चले गए। अब देखेगा उस पुराने महल से उस युवराज भानु प्रताप सिंह का छत विछत शव ही वापस आएगा। यदि ऐसा हो गया तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी, क्योंकि भानु प्रताप सिंह एक ऐसा युवराज है जो कभी ना कभी हमारा पद का काटा बनेगा। इसलिए यदि उसकी मृत्यु हो गई तो हम सारे महल में घी के दिए जलाएंगे। आ
महाराज जी। कुसुमी। हुजूर, मुझे राजकुमारी चंद्रमुखी जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना है, इसलिए थोड़ी शीघ्रता में है। इतनी भी क्या शीघ्रता है कुसुमी, महामहिम को भी तुमसे कति आवश्यक कार्य है। अच्छा हुआ जो तुम यहीं पर मिल गई, अन्यथा महामहिम तुम्हें बुलाने का संदेशा भेजने वाले थे। इतना क्या सोच रही हो कुसुमी? नागराज जो भी कह रहा है वो ठीक कह रहा है। हमें तुमसे एक महत्वपूर्ण विषय पर अभी और इसी समय चर्चा करनी है। किंतु याद रहे, हमारे प्रश्नों का सही सही उत्तर देना। यदि तुमने हमसे चतुराई की तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा।